हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जिसका नाम है आर कुशल फिल्म्स। तो जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको आगे की नोटिफिकेशन मिलती रहे। आज हम बात करने वाले हैं मणिकर्णिका मूवी के बारे में। मणिकर्णिका मूवी का ट्रेलर जो है वो लॉन्च हो चुका है और आप सबने देख भी लिया होगा, तो उसी के बारे में आज हम बात करते हैं। जैसा कि आप सबने ट्रेलर देख ही लिया है, फिल्म के जो निर्माता हैं, जो डायरेक्टर हैं, उनका नाम है क्रिश और जो मुख्य भूमिका में है कंगना रानौत। फिल्म की जो शूटिंग शुरू हुई थी वो मई 2017 से शुरू हुई थी, अप्रैल 2018 में मूवी को रिलीज़ करने की बातें शुरू हुई थी, लेकिन मूवी का काफ़ी काम बचा हुआ था जिसकी वजह से मूवी रिलीज़ नहीं हो पाई है। फिल्म की जो कहानी लिखी गई है वो के बी विजेंद्र प्रसाद द्वारा लिखी गई है। आइए बात करते हैं फिल्म के बारे में। जैसा कि फिल्म में दिखाया गया है, फिल्म में जो मुख्य भूमिका में है कंगना रानौत जी, वो रानी लक्ष्मीबाई की भूमिका निभा रही है। तो इसका मणिकर्णिका के साथ क्या संबंध? जैसा कि आपने देखा, रानी लक्ष्मीबाई के कैरेक्टर में कंगना रानौत जी हैं और फिल्म का जो टाइटल रखा गया है मणिकर्णिका, इनका आपस में क्या संबंध है? रानी लक्ष्मीबाई का जन्म 19 नवंबर 1835 को वाराणसी काशी जिले के भदई नामक शहर में हुआ था। रानी लक्ष्मीबाई को बचपन में प्यार से मनु कहते थे और उनका पूरा नाम मणिकर्णिका था। इसी के बिहाव पे इस मूवी का नाम मणिकर्णिका रखा गया है। जैसे कि वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने बताया था, ये मूवी 27 अप्रैल 2018 को रिलीज़ होनी थी, लेकिन कुछ सवालों की वजह से ये मूवी रिलीज़ नहीं हो पाई। जैसे कि पद्मावत मूवी में आपने देखा था, बहुत सारे सवाल खड़े हो गए थे मूवी के सामने उसके नाम को लेके, सेम वैसा ही इस मूवी के साथ हुआ है। कंगना रानौत जी ने इसमें बहुत अच्छा काम किया है, डायरेक्शन बहुत अच्छी, स्क्रिप्ट बहुत अच्छी लिखी गई है। तो मेरा खुद का मानना यह है कि ये मूवी 8th क्लास के बच्चों को लेकर के, 8th क्लास के जो बच्चे हैं उनसे लेकर के और जितने भी बुजुर्ग हैं, जितने भी बड़े लोग हैं, सबको ये मूवी देखनी चाहिए, क्योंकि इस मूवी में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ये अपने इतिहास पे आधारित है, इतिहास के बारे में जानने का मौका मिलेगा। मैं चाहता हूँ कि सब छोटे से लेकर बड़े तक ये मूवी जरूर देखें। ओहो, जैसे कि आप सब देख सकते हैं पीछे मणिकर्णिका का जो पोस्टर लगा हुआ है, बहुत ही अच्छी मूवी है। पोस्टर में देख सकते हैं कंगना रानौत फुल मतलब एक्शन मूड में है और ये मूवी देखने से बहुत हिस्टोरिकल मूवी जाने वाली है, बहुत अच्छी मूवी है। ट्रेलर में मैंने देखा था कि इतनी अच्छी मूवी है, लोकेशन से देखे जो स्क्रिप्टिंग की गई सब कुछ बहुत अच्छा है। फाइनली पता चल चुका है कि मणिकर्णिका इसका नाम क्यों रखा हुआ है। चैनल में बताया था क्योंकि जो रानी लक्ष्मीबाई थी उनका जो बचपन का नाम था मनु था, उनको प्यार से मनु कहा जाता था, इसी चीज़ को जोड़ते हुए राइटर ने मूवी का नाम मणिकर्णिका रखा है। तो ये मूवी 25 जनवरी 2019 को रिलीज़ होने वाली है। आप सब ये मूवी देखने जरूर जाएं, मैं ये मूवी देखने जरूर जाऊंगा क्योंकि ट्रेलर बहुत अच्छा है, बहुत मूवी भी बहुत अच्छी होगी, सब जाएँ